हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सेहत पसंद रेसिपीज में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटपटी सी चटकारेदार कटोरी चाट। ये इतनी टेस्टी होती है कि अगर आपने बना के खा ली तो आप बाहर मार्केट की कोई चाट आपको पसंद नहीं आने वाली। और ये जितनी दिखने में यूनिक और इतनी अट्रैक्टिव लगती है, खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। इसके अंदर हम बनाएंगे अपनी खुद की कटोरी और उसके अंदर स्टफिंग के लिए कुछ वेजिटेबल का यूज करेंगे और अच्छी खट्टी मीठी सी चटनी डाल के उसे बनाएंगे। बनाते हैं हम इसे। इसके लिए हमें चाहिएगा 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ गाजर, 1 बड़ा चम्मच कॉर्न, ये ऑप्शनल है, 1 बड़ा चम्मच मटर और 3 मीडियम साइज आलू। इसे मैंने स्लाइस में काट दिया है जिससे कि ये जब पकेंगे तो अच्छे से अंदर तक पक जाए, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और उसको डालकर अब हम इसको 3 सीटी तक आने तक बॉईल कर लेते हैं। अब हम तैयार करते हैं इसका डो जो हमें कटोरी बनाने के लिए चाहिएगा। इसके लिए हम लेंगे 2 कप मैदा। अब 1 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं और 1/4 कप तेल या फिर 2 बड़े चम्मच तेल, ये हमारे मोयन के लिए हमने डाला है जिससे हमारी जो कटोरी बनेगी वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कुरकुरी बनेगी। तो ये आपको अच्छे से तेल को आटे में मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, ये जब आप ऐसे मुट्ठी बनाकर उसको आटे को दबाएंगे तो ये इस तरीके से उसकी मुट्ठी बन जाएगी, मतलब कि इसमें तेल प्रॉपर है। अगर इस तरीके से आटा नहीं बंध रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड करिए। आटे को गूंद लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और हमें इस तरीके से इसको आटे को गूंदना है। सॉफ्ट डो होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा गीला होना चाहिए, इस तरीके से ये सॉफ्ट होना चाहिए। इसमें मुझे 1/2 ग्लास पानी लगा इस आटे को गूंदने में। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम तैयारी करते हैं हमारी स्टफिंग की। 3 सीटी यहाँ पर हो चुकी है कुकर की, ठंडा हो गया है कुकर। अब यहाँ आलू में निकाल लेती हूँ बाउल में और इसे हम मैश कर देते हैं। अब इसके अंदर बाकी का हमारा मिश्रण गाजर और मटर ये निकाल देते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच स्प्राउट ले रही हूँ, ये मैं हेल्थ बेनिफिट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे ना डालें। और इसके अंदर डालेंगे 2 छोटी चम्मच टमाटो सॉस, 1/4 छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला भी इसमें डाल देते हैं। बाकी हमारी चटनी में नमक मिर्च ऑलरेडी डला हुआ है इसलिए इसमें ज़्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये तैयार हो गया है। अब हम बना लेते हैं हमारी कटोरी। कटोरी के लिए आपको छोटे नींबू तेल लोई लेना है और उसको गोल करके तेल लगा के अब आपको 4 से 5 इंच की रोटी बनानी है। ये रोटी पतली होनी चाहिए। अब हम इसे फॉर्क की मदद से इस तरीके से छेद कर देते हैं जिससे जब हम इसे तलेंगे तो ये फूलेगी नहीं, ये बिल्कुल उसी शेप में रहेगी। कटोरी के पीछे साइड आपको तेल लगा लेना है जिससे इजीली ये निकल जाए। इस तरीके से कर ले। अब एक कटोरी ले छोटी और इसके ऊपर रोटी हम फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से, आपको ऐसे करना है। ये देखिए, अब हम चाकू की सहायता से इसके अंदर की एक्स्ट्रा रोटी को हटा देते हैं। इस तरीके से हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया था, ये गरम हो चुका है अच्छा। और हम डालते हैं हमारी कटोरी। इस तरीके से आपको इसको थोड़ा सा दबा देना है जैसे कि तेल उस कटोरी के अंदर चला जाए तो उसको हीट दोनों साइड से मिले।
और अंदर डूबी होने से वो सभी तरफ से अच्छे से तल जाएगी। इस तरीके से आपको थोड़ा इसको दबाते हुए तल देना है। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कटोरी निकलने लगी है, तो आप बिल्कुल सावधानी से आपको कटोरी को निकाल लेना है और इसके अंदर हम हमारी कटोरी में तेल इस तरीके से भर लें उसको, जिससे कि कटोरी अंदर रहे और अंदर से भी वो सभी तरफ से लाइट गोल्डन हो जाए और ये सभी तरफ से अच्छे से तला रही है। अब देखिए लाइट गोल्डन हो चुकी है, तो अब हम इसे हम निकाल देते हैं। इसका सभी तेल ऐसे उल्टा करके आप इसको निकाल लें। और एक और मैं आपको कटोरी बना के बता देती हूँ, इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे हमें करना है। यहाँ पर आप चाहे तो कटोरी के ऊपर ही फॉक से होल कर सकते हैं इस तरीके से। और इसे भी हम लाइट गोल्डन होने तक तल लेंगे। इस तरीके से हम हमारी सभी कटोरी बना लेते हैं। करीबन यहाँ पर 15-20 कटोरी बन जाएगी। इसके अंदर अब हम करेंगे स्टफिंग। हमें हमारी कटोरी में सबसे पहले हम डालते हैं हमारा मिश्रण आलू का, और इसमें डालेंगे अब हम ये थोड़े से टमाटर डाल देते हैं, थोड़ा सा इस पर प्याज, अब डालते हैं धनिया की चटनी, यहाँ डाल रही हूँ मैं इमली की चटनी, आप आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा चटनी डाल सकते हैं। अब डालेंगे मीठा दही और थोड़े से कुछ अनार और थोड़ा सा धनिया और बारीक सेव, और उसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला। ये हमारी तैयार है कटोरी चाट। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और बहुत ही खाने में भी टेस्टी है। इसी तरीके से हम उसे कटोरी चाट भी तैयार कर लेते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये सबको बहुत पसंद आएगी, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ऐसी क्रिएटिव चीज़ें। जब हम कुछ करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर उनको बना के खिलाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।